This took place already yesterday, and the today the result came, final result. So the winner is winner was the Bhado team with, pardon me, Chan. कि आज जो यहाँ एक्टिविटी हो रहा है तो उसके बारे में आप अपने शब्दों में। मैं इंद्रजीत प्रसाद, एकलव्य विद्यालय भोगनाडी का सबसे सीनियर टीचर, और आज ये जो वार्षिक खेलकूद समारोह हो रहा है संत मेरी स्कूल का, इसमें अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया। अच्छा लगा बच्चों के बीच आकर, खेलकूद तो होना ही चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो शरीर को स्वस्थ रखना है तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, और दिमाग स्वस्थ रहेगा तो फिर पढ़ाई में भी मन लगेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, नई शिक्षा नीति में आया है अभी 2022 में, जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है भारत सरकार की, इसमें भी आप देखेंगे कि नर्सरी से पहले जो आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ा करते थे, अब मैंने 3 साल से ही बच्चों को पढ़ना लिखना सीखना है। ये तो अपर क्लास के बच्चे हैं, 6, 7, 4, 5 के बच्चे हैं, तो इन लोगों को खेल के साथ साथ पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ खेल में जरूरी है। हमारे संत मेरी स्कूल से हुए और ये मुखिया पेटखसा के जो मुखिया हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया था लाके, और एक बरवीक के मुखिया श्रीमती बेनिफिट मुर्मू, उनके द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और कल ये 2 दिवसीय खेल समारोह था, आज इसका समापन। तो ये कार्यक्रम में कितने प्रकार के खेल प्रतियोगिता किया गया? बच्चों का हमने जैसे नर्सरी टू क्लास 1, 2, 3 ये जलेबी रेस करवाया था, सेकंड में रनर 100 मीटर, 50 मीटर, 200 मीटर का दौड़ ये था। इसके बाद छोटे छोटे बच्चों को उसका सर्कल बना के वो हैंकी वाला, वो भी आज हम लोगों ने करवाया था उनके मनोरंजन के लिए, ताकि उनका भी मन लगा रहे। इसके बाद फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब चीज़ों का आयोजन किया। जैसा कि आपने अभी बताया कि आपका स्कूल का नाम है संत मेरी स्कूल बरेड, तो आप अपने स्कूल की तरफ से अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों के प्रति खेलकूद को लेकर? मैं सभी अभिभावकों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए तो इंकरेज कीजिए, पर खेलकूद के लिए भी उनको थोड़ा उत्साहित करना चाहिए, क्योंकि खेल ही हमारे जीवन में सब कुछ एक मायने रखता है। वो पढ़ाई के अलावा खेल भी हमारे लिए बहुत कुछ रहता है, शरीर भी एक उसमें अच्छा रहता है, हेल्थ भी बना रहता है, बच्चे का माइंड भी डेवलप होता है, खेल के माध्यम से भी होता है। ये मैं सभी अभिभावकों को बोलना चाहूँगी कि बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आपका परिचय? मैं संत मेरी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मेरा नाम पिंकी कुमार है।